कुर्ती की कटिंग करने के बाद जो नेक का अंदर का हमारा पीस जो लाइनिंग से हमने नेक कट किया था सेम हमने पेस्टिंग के ऊपर रखा और यहाँ पे 1.25 जितनी चौड़ी यहाँ पे अपनी ये नेक की पेस्टिंग हमने कट कर ली है। सेम फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमने सेम पेस्टिंग कट की है क्योंकि दोनों नेक हमारे सेम है यहाँ पे, और हमने फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल कट टू कट रख के कट कर दिया है और नीचे हमने मार्जिन रखा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको एंड तक स्टिच करेंगे। अभी हमने यहाँ से इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अगर हमारा फैब्रिक ज़्यादा है यहाँ पे तो हम इसको पहले फैब्रिक को कट करेंगे। जैसे कि मेरा फैब्रिक यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने नेक को ऊपर की तरफ लेंथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा कट किया है तो अभी हम सबसे पहले इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद अभी हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट का जो सेंटर है ये देखिए प्रेस के साथ हमने सेंटर यहाँ पे बिठा के रखा है। इस सेंटर पे हम अपने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और चेक करते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा रखना है हमें और इसको हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे इसको एंड तक हमें स्टिच करना है। स्टिच हमने कर लिया है। स्टिच करने के बाद अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटने चाहिए। अभी हम ये जो हमारा मार्जिन है इसको ऐसे पट्टी की तरफ रखेंगे और पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। स्टिच करने के बाद अभी यहाँ पे हम अपने नेक के ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करके अच्छे से यहाँ पे बिठा लेंगे। प्रेस करने के बाद देखेंगे कि प्रॉपर हमारी बॉट नेक की शेप हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे आ गई है। अभी यहाँ पे हमने अपने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद देखिए प्रॉपर यहाँ पे शेप में बैठ गया है। उसके बाद अभी जो जैसे कि हमने पहले यहाँ पर ये अपने डार्ट के निशान ड्रॉ किए थे तो अभी जब हम स्टिच करेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोबारा निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए जब भी हम कटिंग करते हैं डार्ट के निशान को पहले ही ट्रेस कर लेना है। ऊपर वाली डार्ट को देखिए हम कैसे स्टिच करेंगे। ये जो दो कट हमने लगाए हैं, ये वाला कट यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कट के साथ हमें इसको मिलाना है और यहाँ पर इसको नीचे तक एंड तक यहाँ पर हमें स्टिच करना है। ये वाला लेवल भी बराबर आ गया हमारा और डार्ट भी फिनिशिंग से हमारी स्टिच हो गई है और यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं बना है। उसके बाद अभी हमें साइड वाले डार्ट को भी स्टिच करना है। ये जो कट हमने लगाए हैं दोनों कट को ऐसे आपस में मिलाना है और यहाँ पे स्टिच करना है। साइड वाली डार्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। सेंटर में ये हमारा यहाँ पे अच्छे से पफ बन जाएगा और साइड में भी कोई क्रीज नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए हमने डार्ट को स्टिच करने के बाद यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ पर कोई क्रीज नहीं आएगी।
ये देखिए बैक साइड से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अभी हम ऊपर से ये जो हमारे नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से भी हम कट करेंगे। कट करने के बाद अभी हम अपने शोल्डर को बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी एक साइड की बैक साइड की यहाँ पे जो डार्ट है हमारी उसको मैंने स्टिच कर दिया, जैसे कि हमने पहले ही निशान लगा के रखा था। तो यहाँ से हम अपनी डार्ट को पकड़ेंगे और इसको स्टिच करेंगे। ऐसे करके हमारी डार्ट यहाँ पे आ जाएगी और डार्ट आने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे, सॉरी प्रेस करेंगे। और फिर यहाँ से अभी देखिए मैंने नेक अपना सेम ऐसे ही बनाया है जो हमारा बैक का नेक है, जैसे मैंने फ्रंट का बनाया है। अभी हम यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर ऐसे नेक को आगे की तरफ रखेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे रखेंगे। जो फ्रंट का नेक है हमें वो ऐसे रखना है आगे की तरफ और यहाँ पे हाफ इंच के मार्जिन पे स्टिच लगानी है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो हमारे नेक में है वो यहाँ पे एक लाइन जितना गैप है। अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी जब हम यहाँ से स्टिच करेंगे यहाँ पे भी बराबर ही होना चाहिए हमारा नेक। अभी हम जब इसको यहाँ पे ऐसे टर्न करेंगे तो देखिए नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पे कहीं भी कोई गैप नहीं आएगा और ये बिल्कुल बराबर आएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारा शोल्डर स्टिच हो गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसको स्टिच करेंगे। नेक हमारे दोनों बराबर हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पे अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव हमने कट कर ली है। यहाँ पे हम देखिए ऐसे हाफ इंच जितना ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। स्टिच हमने किया। अभी हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस हमने कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। प्रेस करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए फ्रंट और बैक के लिए हमारी शेप है तो ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आना चाहिए। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी स्लीव का यहाँ पे सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए दोनों को पकड़ेंगे अपने आर्म होल को और यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल दो लाइन जितना आगे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल दो लाइन जितना। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। दोनों के सेंटर सेंटर से सेंटर को मिलाना है। अभी स्लीव्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्टिच हमारी हो गई है और कहीं भी यहाँ पे झोल नहीं आया है। अभी हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे और अच्छे से इसको प्रेस करके रखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए जो हमने कटिंग के टाइम यहाँ पे मार्जिन ऐड किया था
वन एंड हाफ इंच का मार्जिन रख के मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, ऊपर भी वन एंड हाफ फुल बस्ट पे और वेस्ट पे भी वन एंड हाफ इंचज का, और जो हमारी हिप है वहाँ पे मैंने वन इंच का मार्जिन लिया था, तो मैंने यहाँ पे वन इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद हम साइड से फोल्ड कैसे करना है और साइड से हमारी सिलाई रिमूव हो जाती है जहाँ पे हमारी हिप है, तो उसको हमें फिक्स कैसे करना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो वहाँ से हटे ना बिल्कुल प्रॉपर। और स्टिच हमारी हो गई है यहाँ पे, सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद यहाँ से हमें इसको फिक्स कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे, पट्टी को हम साइड से फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड किया, दो बार फोल्ड किया और फिर अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अभी हम इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अभी हमें देखिए क्या करना है, जहाँ तक हमारी स्टिच है अपनी कुर्ती को ऐसे खोल के रखेंगे, खोल के रखने के बाद जहाँ तक हमारी स्टिच है वहाँ पे हम यहाँ पे इसको पट्टी को ऐसे रखेंगे और एक किनारे तक, जहाँ तक हमारी एक सिलाई है वहाँ तक हम बस यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। अभी इसको टर्न करेंगे, अभी बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, दोबारा फिर टर्न करेंगे और एंड तक हम इसको स्टिच करेंगे। अभी जो दूसरी साइड है इसके बराबर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे फैब्रिक को और साइड से इसको फिक्स करेंगे। नीचे से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, अभी साइड से स्टिच करेंगे और अभी दूसरी साइड से भी इसको फिक्स कर देंगे हम। जो एक्स्ट्रा है इसको कट करेंगे। अभी हमने देखिए ऐसे इस पट्टी को स्टिच किया, यहाँ से देखिए अभी हमारा चाहे यहाँ पे जितना भी जोर आएगा तो यहाँ से ये हमारी सिलाई हटेगी नहीं और ना ही हमारा फैब्रिक यहाँ से खराब दिखेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड से फोल्ड करना सीखेंगे कि हमें इसको फोल्ड कैसे करना है। हमने यहाँ पे एक इंच का मार्जिन लिया था तो साइड में हमें कैसे निशान लगाने हैं वो देखेंगे पहले। अभी दूसरी तरफ भी मैं सेम पट्टी को लगा के रेडी करूंगी और साइड फिटिंग कर लूंगी। अभी देखिए कि हमें अपने घेरे को कैसे फोल्ड करना है। ये हमारी नीचे की साइड है, नीचे की साइड पे हमने देखिए यहाँ पे वन वन इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो नीचे से हम यहाँ पे वन इंच ऐसे लगाएंगे और साइड से हम वन इंच यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का पॉइंट बना, प्लस के पॉइंट पे हम यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ेंगे और ऊपर से हम स्टिच करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ऊपर से देखिए हमें यहाँ पे एक बार ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना, सीधा हमें रखना है इसको। अभी हम नीचे से ही स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। नीचे से स्टिच करने के बाद अभी मैं यहाँ पे साइड से पकड़ लूंगी जहाँ से हमने निशान लगाया है और इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको साइड से कैसे फोल्ड करना है ये देखिए, ऐसे सीधा करके रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अभी पहले हम क्या करेंगे, नीचे से देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हमें नीचे से फोल्ड करना है, अभी जो निशान है हमारा इसको हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। ऐसे ऐसे हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए अभी नीचे तक स्टिच लेके आएंगे। नीचे स्टिच लाने के बाद अभी हम स्टिच को ऊपर लेके जाएंगे। अभी दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हमारा यहाँ पे
कॉर्नर फोल्ड हो जाएगा। पहले इसको हमें यहां तक फोल्ड करना है, फिर जो साइड में हमने निशान लगाया फिर वहां से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अभी नीचे लेके जाएंगे फिर इसको ऊपर लेके आएंगे। अभी यहां पे हम देखिए कैसे ऊपर की तरफ यहां पे ऐसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस हमने किया, क्रॉस करने के बाद अभी हम दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सेम यहां तक हम ऐसे क्रॉस लेके आएंगे और फिर इसको ऐसे सीधा कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो साइड का घेर है वो कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच हो गया है। यहाँ पे हमने कॉर्नर करके ऐसे निशान लगाया है। अभी सेम दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे मैंने एक साइड किया है। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको फाइनल लुक अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो हम रील्स में इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्म होल है यहाँ पे अभी मैंने डम्मी को डाला है लेकिन जब हम बॉडी में डालेंगे तो सेम यहाँ पे कोई क्रीज नहीं आएगी और नेक देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ यहाँ पे बैठ गया है। यहाँ पे भी आर्म होल में कोई क्रीज नहीं है और ये जैसे हमने ऐसे लूज लूज ये स्टिच किया है सेम ऐसे ये अच्छी फिटिंग के साथ हमारा आएगा। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे साइड से भी चेक करेंगे। साइड से जो हमारी स्लिट है वो ओपन और हमने यहाँ पे स्टिच लगाया है यहाँ पे देखिए और ऐसे ही करके इसका जो फिटिंग है वो रेडीमेड कुर्ती के जैसा ही आएगा। तो गाइस कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा और जब भी आप कुर्ती को स्टिच करते हैं तो मुझे कमेंट्स जरूर करना है कि आपकी कुर्ती का लुक भी कैसा आया है। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।